Hi, my name is Prashil Rawat. I'm the producer of 72 Hours movie, upcoming movie. Hi guys, this is Avinash Dihani and I'm playing Rifleman Jaswant Singh Rawat and as well as I'm the director of this film, 72 Hours. जब मैंने फिल्म लिखनी शुरू की सो मेरे दिमाग में था कि इस फिल्म का टाइटल क्या हो सकता है. राइफल मैन जसवंत सिंह रावत के लिए क्या अप्रोप्रिएट टाइटल हो सकता है. सो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि 72 आवर्स जो उसने वॉर लड़ी है वो ही बेस्ट टाइटल हो सकता है इस फिल्म का, क्योंकि ये 1962 की वॉर की बात हम कर रहे हैं. वहाँ पर उन्होंने अकेले राइफल मैन जसवंत सिंह रावत ने 72 घंटे 300 सोल्जर्स मारे और इसके लिए हमने 72 आवर्स इसका टाइटल रखा. नया ये है कि एक सोल्जर है जिसने अकेले 3 दिन कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे पूरी एक चाइनीज बटालियन को रोक के रखा, ये इसमें नया है. 72 आवर्स की जो उसकी जर्नी है एंड इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी. अभी तक हम फिल्मों में जो वॉर फिल्म्स आज तक बनी हैं उसमें बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब तो होता ही है, बट ये जो फिल्म है ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कैसे वो उस वॉर फ्रंट में जाता है, एक नॉर्मल सा लड़का, और कैसे उसके अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि जो 72 घंटे लड़ा और उसके लिए आज भी ऐसा कहते हैं कि वो आज भी बॉर्डर पे पहरा दे रहा है. सो ये एक बड़ी अलग सी चीज़ है इस फिल्म के अंदर. राइफल मैन जसवंत सिंह रावत, बिकॉज ही इज़ द ओनली होल सोल वॉरियर जिन्होंने पूरी वॉर लड़ी है, ही इज़ द हाईलाइट. 72 आवर्स अगर उसने वॉर लड़ी है वहाँ पे, तो मेरे लिए तो वो सुपर हीरो है. जैसे हम हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं वो एक सुपर हीरो की कहानी कहते हैं, तो एक लड़का, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कैसे उस वॉर बैटल में जाता है और 72 आवर्स लड़ता है दुश्मनों से, 300 चाइनीज सोल्जर को मारता है, तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा यूनिक चीज़ है इस फिल्म के अंदर. लाइक वहाँ पे शिशिर शर्मा जी भी हैं, मुकेश तिवारी जी भी हैं, अलका आमिन भी हैं जिन्होंने मदर का रोल किया है, वीरेंद्र सक्सेना जिन्होंने फादर का रोल किया, और भी बहुत से एक्टर हैं. दे हैव डन ट्रेमेंडस वर्क. मैं 7,000 फीट की ऊंचाई पे उनको सबको लेके गया था और उस 7,000 फीट की ऊंचाई पे उस ठंड में हम लोग जनवरी के महीने में शूट कर रहे थे, तो जितने भी एक्टर थे सभी लोगों ने बड़ा साथ दिया हम सब लोगों का, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि दे आर वेरी सीनियर. और रात के 3 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, आई डोंट नो कैसे रिएक्शन वो देंगे, बट जब मैं देखता था उनको तो वो वर्दी में घूम रहे होते थे और मेरे लाइटिंग में टाइम लगता था, तो मुकेश जी हमेशा मुझे कहते थे कि यू टेक योर टाइम, कोई बात नहीं होता है ऐसा, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो दे वेरी सपोर्टिव. व्हाई नॉट सो मैनी वॉर फिल्म्स, व्हाई नॉट, बिकॉज हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे पास, अगर मैं चाहूँगा तो जो मेरा टेक है कि मैं हर 3 साल में एक वॉर फिल्म बनाऊँ. अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया हम लोगों को, बिकॉज परमवीर चक्र की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इतने सारे परमवीर चक्र विजेता हैं, इतने सारे हमने वर्ल्ड वॉर में, अगर मैं एक वर्ल्ड वॉर हीरो की बात करूँ तो हमारे कुछ भारतीय थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में गए थे या वर्ल्ड वॉर 1 में गए थे और उन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था. तो इतनी सारी कहानियां हैं, मुझे लगता है कि एक वॉर फिल्म करने के बाद मेरे पास, मैंने क्योंकि रिसर्च के दौरान इतनी सारी स्टोरीज़ पढ़ी, तो मुझे लगता है कि अब हर 3 साल बाद हमें एक वॉर फिल्म बनानी चाहिए और अपने हीरोज़ को आगे लेके आना चाहिए जो हमारे हीरोज़ हैं. वॉर मूवी इसके लिए क्योंकि हमें हमारी हिस्ट्री पहले पता होनी चाहिए. वॉर से हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, किसने वो वॉर लड़ी थी, वो लोग कौन थे. यहाँ पे एक सोल्जर की बात हो रही है जो 1962 में वॉर लड़ चुके हैं मगर अभी भी लोगों को उसके बारे में नहीं पता है. 72 आवर्स मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे, तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखने जाएं, बिकॉज ये फिल्म इसलिए देखने ज़रूरी है कि कैसे हमारा एक वीर लड़ा हमारे लिए जिसने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और वो अपने देश पर कुर्बान हो गया. सो दिस फ्राइडे 72 आवर्स. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बॉलीवुड नाउ.